ये मैं कमीज का कपड़ा अलग निकाल लेती हूँ। अब हमें जितना कमीज का घेरा करना है उस हिसाब से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। कमीज का घेरा तैयार रखना हमें 25 इंच तो हम 27 इंच कपड़ा ले लेते हैं। पहले मैं ये कमीज के कपड़े को अलग निकाल लेती हूँ। अलग इसलिए निकालूंगी क्योंकि ये जो इसमें प्रिंट है तो इसका जो आगे वाला हिस्सा बनेगा उसके ये नीचे की तरफ मुंह हो जाएगा। ये जो इसमें प्रिंट दे रखा है ये जो फूल से हैं, और पीछे वाले का मतलब पीछे की ऊपर की तरफ हो जाएगा और आगे वाले का नीचे की तरफ। तो मैं पहले ये कमीज का कपड़ा अलग निकाल लेती हूँ। पहले ये हम इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करेंगे क्योंकि इनका प्रिंट हमें सेम करना है। ये हमारा इस हिस्से का ये प्रिंट का ऊपर की तरफ मुंह है। इसी प्रकार हम इस दूसरे को बिछा लेंगे। ये हमारा लवर सूट है। अगर ये कढ़ाई वगैरह का होता तो ये पहले ही हम अलग अलग हिस्से काट लेते। तो ये हमें दोनों एक साथ काटने हैं इसलिए हमें ये प्रिंट मिलाना पड़ेगा इसका। ये हमें पूरे सूट में ही ध्यान रखना है, बाजू में भी और जो ये सलवार के हमारे फट्टे होते हैं उनमें भी हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारा ये प्रिंट एक जैसा हो, वरना ये सूट पूरा गंदा लगेगा। ये मैंने बिछा लिया है अच्छे से और इसका प्रिंट भी मैच कर लिया भाई। अब मैं इसके तैयार निशान लगाऊंगी पहले कमीज के। जैसे हमारा तीरा है ये थोड़ी सी हेल्दी लेडीज है, 7 इंच का। साढ़े 7 इंच में मुड्ढे का निशान लगाऊंगी। छाती है 23 इंच।
ये यहाँ से 8 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे, ये हम 7 इंच पर भी लगा सकते हैं। अगर कोई पतली लेडीज है तो ये हमारी मोटी है लेडीज है तो इसको हम 8 पे कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान है हमारा 21 इंच। इप है हमें 16 इंच पर इप तैयार करनी है। तो यहाँ जो हमारा मुड्ढे का निशान लगा है यहाँ से हम 16 इंच नापेंगे। इप है हमारी 25 इंच तैयार। घेरा तो वैसे भी हमने पूरा तैयार ही लिया था, पहले ही कपड़ा निकाल लिया था। अभी ऊपर छाती से हम कमर को मिला लेंगे और कमर से हिप को मिला लेंगे ऐसे तिरछा तिरछा। बाकी ये जो हमारा जो ये चेस्ट का और कमर का निशान है ना, इसको हम ऐसे तिरछे में तो करते हैं पर थोड़ी सी हमें इसकी गोलाई देनी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। हम कपड़े को अपने शरीर के हिसाब से ही सिलते हैं, ये इतनी हमें गोलाई देनी है। जैसे ये हमारा निशान पहले हमें लगाया है, ये 1/2 इंच हमें गोलाई देनी है। और ये जो हमारा यहाँ से 23 इंच है, 23 इंच तैयार है, तो हमें 1/2 इंच यहाँ से कम करना पड़ेगा कि हमारी यहाँ अरमोल में झोल ना पड़े। 1/2 इंच ये यहाँ से हमें 2 इंच पर, यहाँ 2 इंच तक यहाँ पे हमें गोलाई देनी पड़ती है इसकी। ये होता है हमारा तैयार फिटिंग का निशान। यहाँ हम 2 या 1/2 इंच भी हम गोलाई कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ 1.5 इंच गोलाई करूंगी। दो इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारे कमीज के तैयार निशान है भाई। जो ये मैंने निशान लगाए हैं उन निशानों से मैं इसको काटूंगी। ये पहले मैं पिछले वाला हिस्सा अलग कर देती हूँ, ये मैं गोलाई अगले वाले की करूंगी ना। ये पिछले वाले से 1 इंच हम अगला कम करते हैं कि हमारा गला पीछे ना जाए। ये हो गई हमारी कमीज की कटिंग। ये बैक वाला गला भी मैं साथ के साथ काट देती हूँ। पिछला गला है हमारा 4 इंच तैयार, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा था, कमीज के साइड से जो ये कपड़ा निकाला था, इससे मैं सलवार के फट्टे निकालूंगी।
सलवार की तैयार लंबाई है 39 इंच। चाहे तो हम 39 इंच में से 4 इंच माइनस कर सकते हैं, या हम 4.5 इंच कपड़ा पहले ही आधा इंच में ये जो हमारा दबाई में आएगा उसका और 4 इंच की मैं बेल्ट लगाऊंगी, तो वो पहले ही मैं 4.5 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ देती हूँ। और यहाँ से 39 इंच हमारी तैयार है सलवार की लंबाई, तो मैं 39 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच कपड़ा हमारा नीचे से मुड़ाई में आ जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर से। तैयार पोचे रखने हैं हमें 7 इंच, तो ये हमारी कलियां पूरी नीचे आ जाएं। पोंचे में कलियां लानी हैं तो हमें आधा आधा इंच 6.5 इंच के पोचे तैयार रखूंगी। ये गोडा मैं इसकी नीचे से थोड़ी सी कटिंग करूंगी कि इससे हमारी सलवार में भी अच्छी शेप आ जाए। सबसे पहले तो भाई हमें ये ध्यान रखना कि हमें गोडे की भी ये जो हमारा गोडे का प्रिंट है ये भी हमें सेम कर लेना दोनों गोडों का। जैसे हमने कमीज की कटिंग करी है उस हिसाब से हमारे गोडे नीचे ये आएंगे। तो मैं 6.5 इंच का गोडा यहाँ तैयार रखूंगी। और 15 इंच तक मैं इसकी रेप बनाऊंगी, अड़की अड़की ही इसको ऐसे लेके जाऊंगी कि बिल्कुल पता ना चले। अगर हमारा गोडा यहाँ पर 5.5 इंच का 6 इंच का निकलता है तो ये हम पोचे का हिसाब देखकर ही करते हैं, इसकी यहाँ से कटिंग वैसे नहीं करते। अगर करते हैं तो बाकी सलवार में लुक अच्छा आता है पीछे से। ये हमारे गोडे निकल गए। ये जो हमारा कपड़ा है इसे मैं बेल्ट में यूज करूंगी। बेल्ट तैयार रखनी है हमें 26 इंच और चौड़ाई चाहिए हमें 7 इंच, तो चौड़ाई हमारी पूरी है, लंबाई थोड़ी सी कम है। लंबाई पूरी करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ लगाऊंगी। अब ये जो हमारा कपड़ा है कमीज से अलग जो बच गया था मैं सबसे पहले इसमें से बाजू निकाल लूंगी। बाजू तैयार रखनी है 17 इंच की, तो ये आधा इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया जो हमारा सिलाई में आ जाएगा। 17 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिया। 1.5 इंच कपड़ा मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिया जो हमारा मुड़ाई के अंदर आना है। छह इंच की हमारी बाजू की मोरी तैयार है। 1.5 इंच में एक्स्ट्रा लेंगी। मुड़ा में तैयार रखना 10.5 इंच। तीन इंच ये नीचे से बाजू की गोलाई होती है।
ये बीच के लिए थोड़ा सा निशान लगा देते हैं। ये बाजू की आगे से कटिंग कर दी है साथ के साथ। ये हमारी कमीज की कटिंग तैयार हो गई है। सलवार के हमारे गोड्डे निकल गए हैं, बेल्ट निकल गई है। तो अब हमारी रहती हैं कलियां। ये कलियों के लिए हमारे पास बचा है 2.5 मीटर से, तो 2.25 मीटर कपड़ा है। ये 2.5 मीटर से तो थोड़ा कम है और 2.25 मीटर से थोड़ा सा ऊपर है। तो इससे हम जितनी चाहे हैवी सलवार बना सकते हैं, जितनी चाहे। बाकी ये सलवार मैंने ज़्यादा हैवी नहीं बनानी है। ये 4.5 इंच ऊपर छोड़ दिया है। यहाँ से मैं 39 इंच इसकी लंबाई नापूंगी। 39 इंच तैयार यहाँ है। 1/2 इंच कपड़ा मैं एक्स्ट्रा लूँगी कि हमारा ये 1/2 इंच ऊपर दबने में आ जाएगा, 1/2 इंच नीचे। चाहे तुम ऐसे के ऐसे इसका आसन निकाल सकते हैं। 10 इंच का तैयार, बाकी इतनी हैवी नहीं बनानी है। तो मैं इससे ये 8 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लूँगी। थोड़ा सा कपड़ा मैं कलियों से निकाल देंगी। सर्दियों का कपड़ा है, ज्यादा हैवी सलवार हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा कपड़ा इससे निकाल दिया है, जो हमारा ये पोंचे में गले वगैरह में यूज हो जाएगा। ये 4.5 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ के 39 पे ये निशान लगा दिया यहाँ पे। ये 8 इंच कपड़ा है हमारा ऊपर। गोडे हमारे पहले ही पूरे थे 6.5 इंच के। मैंने ये पोचे रखने हैं 7.5 इंच के। बाकी ये जो हमारी व्हाइट लाइन है, ये हमें कलियों के अंदर लेनी पड़ेगी। चाहे तो हम इस कपड़े को पहले निकाल सकते हैं, या इससे छोड़ के हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ले। मैं इसको पहले ही निकाल लेती हूँ। मैं इस कपड़े को पहले ही निकाल लेती हूँ भाई। इसे वेस्ट तो हम जाने नहीं देंगे। इसे हम अपनी सलवार के लिए नाड़ा सिल सकते हैं। ये इतना कपड़ा मैंने निकाल दिया है इसका। ये 8 इंच आसन निकाल के तो मैं ये 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। इसी तरह ये दूसरी तरफ से ये अब हम इन दोनों निशानों को यहां से यहां मिला देंगे, दोनों निशानों को।
ये पहले मैंने दोनों कलियों के मुंह काट लिए हैं, अब दोनों को ऐसे पकड़ के मैं ऐसे काट लूंगी इसको। ये ध्यान रखना है, ऐसे कपड़े को बिल्कुल सीधा करके इससे हमारी चारों कलियां कट जाएंगी। अब इन चारों को एक दूसरे के ऊपर रख के इनका मैं आसन काट लूंगी दोनों का, कि सेम कट जाए। ये देखो बिल्कुल पूरी है। आसन रखना हमें 10 इंच तैयार। ये जो निशान लगाया है मैं इससे काट लूंगी, तो ये हमारा चारों कलियों का आसन बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। अब मैं ये दोनों जो ज्वाइंट कलियां थी इनको अलग अलग कर लूंगी। ये जो हमारा कलियों की साइड से कपड़ा बचा है और जो हमारा ये बेल्ट में कपड़ा कम रह गया था, बेल्ट तैयार करनी है हमें 26 इंच की, तो इसके लिए हमें 27 इंच कपड़ा रखना पड़ेगा। आधा आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये होगी सलवार की कली, ये होगी बेल्ट, ये हो गए गोड्डे। ये जो हमारा कपड़ा है ये हम गले में यूज कर लेंगे, इसको हम पोचे की पट्टी में यूज कर लेंगे। तो ये हमारी 5 मीटर कपड़े में फुल सूट की कटिंग हो गई। अब हम करेंगे पेंट प्लाजो और सूट की कटिंग। ये हमारे पास सर्दियों का सूट है, ये सुनील का कपड़ा है भाई। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आए तो वो मैसेज छोड़ सकता है हमारे पास, मैं उसका जवाब दूंगी। ये सुनील का सूट है, इसका कपड़ा 2.5-3 मीटर ही आता है, वैसे इसका रज चौड़ा होता है। ये इस पर स्टोन का काम दे रखा है। पहले हम इसे कमीज का अगला हिस्सा निकाल लेते हैं, ये फ्रंट पार्ट निकालेंगे पहले इसका। ये कपड़ा तो सुलटना ही औखा हो जावे है।
सबसे पहले हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे, इसकी कान कून निकाल के। नीचे ऊपर से इसका पूरा प्रिंट मिला के ऐसे देख लेना हमें कि गड़ा इसका आपस में पूरा मिल गया कि नहीं। इसका भी नाप मैं अब साथ की साथ ही इसका ये इसकी तैयार लंबाई है 40 इंच, तो इसकी तो ये लंबाई तैयार ही होगी क्योंकि ये इसका गला बड़ा है, गला में छोटा ही 6 इंच तैयार रखना है। तो पहले मैं गले का निशान लगा लेती हूँ 6 इंच तैयार का, तो मैं इसकी यहाँ से लंबाई नापूंगी। पहले जो हमारा गला बड़ा है तो हमें पहले गले से ही इसकी लंबाई नाप लेनी है, जितना गला हमें रखना है उतना निशान लगा के फिर हम नीचे की लंबाई चेक करते हैं। जो हमारा बनाया बनाया गला होता है उसका वैसे नहीं, तो हमारी तैयार लंबाई है 40 इंच। अगर नहीं मतलब 40 नहीं हो रही तो हम 39 भी कर सकते हैं, बाकी इसकी 40 तैयार होने लग रही है तो मैं 40 ही करूंगी। साढ़े 6 इंच इसके का तीरे का निशान लगाऊंगी। साढ़े 6 इंच ही मैं इसका मुंडे का निशान लगाऊंगी। अठारह इंच इसकी छाती है, छत्तीस इंच है वैसे, छत्तीस का आधा अठारह तो ये 9 इंच। ये 1 इंच गोलाई देंगे इसको। ये भैया हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी लेडीज मोटी पतली है उस हिसाब से हम ये गोलाई करेंगे। अगर ज़्यादा मोटी है जैसे हमारी 24 इंच की छाती आई थी तो उसके लिए हम 2 इंच की गोलाई देंगे। जैसे भी हमारी मतलब ये पतली लेडीज है तो इसके लिए अगर हम 2 इंच की गोलाई करेंगे तो ये ज़्यादा छोटा पड़ जाएगा, पहले ही हमने छोटा लिया है, तो ये हम यहाँ से 1 इंच लेंगे। इसकी कमर का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पे। कमर है हमारी 15 इंच। हिप करनी है हमें 13.5 इंच पर तैयार। बाकी ये सुनील का कपड़ा है, इसमें ऊपर ऊपर ही चढ़ेगा ये कपड़ा रूंग के हिसाब से, तो मैं ये 14 इंच पर ले लेती हूँ। सिलते हुए ये हमें कपड़े कपड़ा कैसा है और उसी हिसाब से मतलब ये 19 इंच का कीप है, तो ये तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। घेर भी हमें इसका 19 इंच ही तैयार रखना है। ये हमारे तैयार निशान लग गए हैं। वो हमने कपड़ा कमीज का पहले निकाल लिया था तो एक्स्ट्रा 2 इंच मतलब निकालने की हमें जरूरत नहीं थी निशान लगाने की अलग से, तो मैं इसका निशान अलग से लगाऊंगी 2 इंच का। दो इंच कपड़ा हमारे लिए बहुत है, इसका तो वैसे भी हम चाहे 1.5 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें हमारी सिलाई ही लगेगी, तुरपाई में ये कपड़ा नहीं आता, इसमें ज़्यादा चौड़ा सिलाई में गंदा लगता है, तो ये हमें 1.5 इंच ही लेना पड़ता है, बाकी मैं 2 इंच ही ले लेती हूँ।
ये हो गई कमीज के अगले हिस्से की कटिंग। अब मैं बैक वाले हिस्से की कटिंग करूंगी। ये जहां से अगला हिस्सा निकाला था उसी साइड से पिछला हिस्सा, की इसका अर्ज चौड़ा था, दोनों हिस्सों को एक साथ तो निकाल नहीं सकते थे कि उसमें प्रिंट था। ये तो बिछाने में ही टाइम लगता, काटने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता कि आपस में चिपक जावे। ये इसके रोंगटे आपस में चिपक जाते हैं, तो ये बिछाया तो सरकाना ही औखा हो जाएगा। ये उल्टी तरफ से बिछा के सरकाना थोड़ा सा आसान है। अब जैसे ये अगले हिस्से की कटिंग करी है उसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से पिछले वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। बस हमें ये थोड़ा सा पिछले वाला एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है अगले वाले से कि हमारा गला ऊपर की तरफ ना जाए। तो मैं ये पहले निशान लगा लेती हूँ, 1 इंच कपड़ा ही एक्स्ट्रा लेंगी क्योंकि ये ज़्यादा मोटी नहीं है। Thank you.
ये पिछले गले की कटिंग करेंगे। सर्दियों का सूट है तो ज़्यादा बड़ा गला नहीं काटना है। मैं ये गले की चौड़ाई 2.5 इंच नहीं करूँगी, 2.25 इंच ही करूँगी। साढ़े 3 इंच में इसी गले की लंबाई करूँगी। क्योंकि ये लेडीज ज़्यादा हैवी नहीं है, पतली ही लेडीज का है। ये होगी हमारे पिछले हिस्से की कटिंग। ये होगी अगले हिस्से की कटिंग। मैं पहले इस कपड़े से प्लाजो निकालूंगी। इसके लिए मैं कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। बाजू में बाद में निकालूंगी, कपड़े का हिसाब देख के उस हिसाब से बाजू की लंबाई करूंगी। हमारी पैंट की लंबाई है, सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ की कटिंग करनी है, कोई भी मतलब सूट की, सलवार की, बाजू की, तो सबसे पहले हमें लंबाई को नापना पड़ता है। 2.5 इंच में ये नीचे मोरी का मोड़ने का छोड़ देती हूँ, तो मैं यहाँ से इसकी लंबाई नापना शुरू करती हूँ। 2.5 इंच का कपड़ा छोड़ के तो हमारी पैंट प्लाजो की तैयार लंबाई है 37 इंच। तो ये मैंने 37 इंच पर निशान लगा लिया। 2 इंच कपड़ा मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी रबड़ के हिसाब से। रबड़ देखना हमें कितना चौड़ा है, 2 इंच चौड़ा है, 1.5 इंच चौड़ा है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें रबड़ डालना है। 1.5 इंच चौड़ा है तो मैं ये 2.25 इंच कपड़ा मैं ऊपर ले लेती हूँ एक्स्ट्रा। हमें प्लाजो की ऊपर से चौड़ाई नापने के लिए, जहाँ ये आसन की साइड से जो हम प्लाजो की वो लेते हैं ना चौड़ाई, तो हम अपनी हिप के हिसाब से लेते हैं। जैसे इसकी हिप है 19 इंच तैयार करनी है, तो मैं उसका आधा लूंगी। 19 का आधा हो गया 9.5, तो मैं यहाँ 10 इंच ले लेती हूँ। आधा इंच सिलाई में उस तरफ से जाएगा, तो आधा इंच उससे जाएगा। 10.5 इंच ले लिया, ये मैंने तैयार है 10.5 इंच। बाकी ये कपड़ा ये नहीं सोचना कि हमें स्ट्रेचेबल है तो इसे थोड़ा सा पूरा पूरा ही लें। 10.5 है तो ये हम ये नहीं है कि 9 इंच ले लेते हैं, 9 नहीं है 10.5 ही। फिर भैया सिलाई में से कट जाता है कपड़ा कई बार टाइट होने की वजह से। ये जो हमारी तैयार लंबाई है, यहाँ से हम आसन की लंबाई नापेंगे। आसन की लंबाई रखनी है हमें 12 इंच तैयार। यहाँ से था हमारा 10.5 इंच, तो मैं इसमें 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ आसन की गोलाई के लिए। यहाँ से हम जितनी गोलाई करते हैं, इससे हमारा प्लाजो की ये जो मतलब जो ये टांग होती है ऊपर की तरफ खिंचाव होता है, कई बार पेंट प्लाजो हमारी ऊपर उठ जाती है, तो इससे ये उठती नहीं है, कम गोलाई की वजह से ही वो उठती है हमारी। ये 1.5 इंच में गोलाई के लिए निशान लगा लेती हूँ। ये हो गया हमारा मतलब 3 इंच तैयार। 10.5 वो लिया था, 2.5 इंच हमने इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, तो ये हो गया हमारा 13.5 इंच, 13.5 का आधा।
तो ये 6.5 इंच से एक डंडा ऊपर, ये इसका हमने बीच ले लिया है, मतलब 7.5 तो हम नहीं ले सकते, 7.5 से तो थोड़ा सा कम ही लिया है। इसी तरह जो ये निशान बीच वाला निशान हम यहाँ लगा लेंगे, जितने हमें तैयार मोरी रखनी है, जैसे 6 इंच तैयार रखनी है तो 3 इंच हम ये जो हमने बीच लिया है ना इसका, तो वहां से 3 इंच रख के 3 इंच उस तरफ और 3 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे। ये हमारा मोरी का तैयार है, मतलब निशान जो ये 6 इंच मोरी तैयार रखनी है, तो ये मैंने 6 इंच ही निशान लगा लिया है। अब इस निशान को इस आसन वाले निशान से मिला देंगे, और ये जो इधर वाला निशान है यो यहां, से मिला देंगे इसको आपस में। ये देख लो, ये हमारे तैयार निशान लग गए हैं फ्रंट प्लाजो के। अब मैंने ये जो निशान लगाए हैं बिल्कुल उन निशानों पर से ही मैं इसको काटूंगी। ये हो गई हमारी पैंट प्लाजो की फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब मैं बैक वाले हिस्से की कटिंग करूंगी। जो हिस्सा हमारा नीचे की तरफ से काटा है उस तरफ हम पैंट प्लाजो का पीछे वाला हिस्सा ले लेंगे, ऊपर वाला हिस्सा इस तरफ करेंगे जो हमारा आगे वाले का नीचे की तरफ था, और जो हमारा ऊपर का था उसे हम नीचे की तरफ लेंगे। ये हमारा ठीक रखा गया है या नहीं रखा गया, ये जो हमारी इस तरफ से जो हमारा कपड़ा निकाला नहीं, हम वो रख के देख सकते हैं, वरना हम इसको नाप सकते हैं। ये हमारा पैंट प्लाजो का बीच है तो हम यहाँ से इसको नापेंगे, हमारा 6.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर ही था, तो ये हमारा थोड़ा सा और हम इसे थोड़ा सा उस तरफ सरका लेंगे। ये मैंने इस पर रख लिया है, जो ये पीछे वाला हिस्सा काटेंगे वो अगले वाले से आसन की तरफ से 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेते हैं।
ये पूरा 2-2 इंच नाप लेते हैं। ये मैंने बैक वाले का लगा दिया है निशान। अब मैं इसको जो ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ से इसको ऐसे तिरछा तिरछा इसके साथ मिला लूँगी। ये हमें टेढ़ा काटना पड़ता है कि इसे हमारा पेंट जो ये हमारी पेंट है इसे ऊपर की तरफ नहीं उठती। ये हो गई हमारी पेंट प्लाजो की कटिंग। अब ये जो हमारा कपड़ा बच गया इसे हम बाजू निकालेंगे। पहले मैं इस कपड़े को ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे निकाल कर एक सार कर लेती हूँ। बाजू की तैयार लंबाई रखनी है हमें 20 इंच, तो हमारी 20 इंच तैयार बाजू इससे आसानी से निकल सकती है। ये रही देखो 20, इससे तो हमारी 21 इंच की भी बाजू निकल सकती है। बाकी हमें तैयार बाजू 20 इंच ही रखनी है। मैं इधर से भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लिया। आठ इंच मुद्दा तैयार रखना है तो उसी हिसाब से इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो ये लंबाई इसकी पूरी पूरी ही है। 3.5 इंच बाजू की मोरी है और 8 इंच मुड्डा तैयार है। डेढ़ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा काफी होता है तो ये 1.5 इंच कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। ये 3 इंच यहाँ से बाजू की गोलाई करूंगी।
ये होगी हमारी बाजू की कटिंग। तो ये हमारा पूरा सूट कट के तैयार है। ये हो गया कमीज, ये हो गया पेंट प्लाजो, ये होगी बाजू भी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई भी दिक्कत हो सूट काटने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।